एवरीवन अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप यू ऑल आर फाइन और अलमदुल्ल्या मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और जैसे कि आप लोगों को पता है मैं अपने सिस्टर के घर आई हुई थी सहीवाल सुबह सुबह मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करी इतना सुहाना मौसम उठते ही दिन इतना अच्छा आगाज़ हुआ सुबह का और मूड बिल्कुल फ़्रेश हो गया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ अपनी अपना व्लॉग आज का डे आज का रूटीन शेयर करूँ और भी बस, बस करते हैं नाश्ता अब मैंने सोचा मैं नाश्ता थोड़ा सा डिफरेंट करती हूँ और छुट्टियाँ चल रही हैं जैसे कि मैं मैं अपनी मई की आई हुई थी और अपनी सिस्टर की घर थी तो डाइट की तो ऐसी की तैसी हुई हुई आजकल और आज कोई डिफरेंट और हैवी सा नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बैठ के खाए फ्रूट्स अच्छा मौसम रहा तो दिन भी बहुत अच्छा गुजरता है और सारा दिन लाइट नहीं थी उसके बाद ये शाम का टाइम यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी रेडी होकर मैंने जाना था अपनी कज़न के घर उनके घर मेरा डिनर था और सारा दिन इतना ज़्यादा वेट करने के बाद लाइट को पता नहीं क्या मसला था फिर शाम को हम लोग उनके घर आए और खाना छाना खाने के बाद हम लोग बाहर आ गए थे हम लोगों ने यहाँ पर आके इंजॉय किया काफ़ी ज़्यादा मस्ती की बच्चों के साथ और यहाँ पर हम लोगों ने आइसक्रीम खाई यहाँ से और उसके बाद हम लोग चले गए घर और लेट नाइट यहाँ पे मुझे हो रही थी क्रेविंग तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सूपी नूडल्स बना कर खाऊँ और यहाँ पे मैंने लेट नाइट काफ़ी टाइम हो गया था और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मिक्स व्लॉग ये मेरा एक से दो दिन का व्लॉग मिक्स है यहाँ पे मैं किसी काम से गई हुई थी बाहर मेरा आई कार्ड का इशू था तो वो मैंने थोड़ा सा रिजॉल्व करवाना था उसको मैंने सेट वग़ैरह करवाया और यहाँ पर हम लोग वापस आ गए थे और इतनी ज़्यादा कोई गर्मी थी साहीवाल में ना मैं कहती हूँ रिकॉर्ड थोड़ा हुआ था गर्मी ने जैसे जून जुलाई में गर्मी होती ना आज के दिन मैं बाहर जैसे गई हूँ तो इतनी ज्यादा गर्मी थी इतनी इतनी ज्यादा कि जैसे जून जुलाई में गर्मी होती है इस तरह की गर्मी थी खैर हम लोग काम शाम करके वापस आ गए थे अभी बस घर आके फिर रेस्ट किया घर आने के बाद मैंने कहा चलो चेंज करते हैं और चेंज करके सुकून से सोते हैं क्योंकि नींद भी मेरी पूरी नहीं थी और यह है शाम का टाइम यहाँ पे फिर मैं आ गई थी वॉक करने के लिए फ्रेश होकर चेंज कर कर यहाँ पे घर के साथ ही था एक बहुत अच्छा सा पार्क मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी वॉक भी कर ली जाए कितने दिनों से मैंने वॉक भी नहीं की थी और काफ़ी दिल चाह रहा था ऐसे ग्रीनरी में ना थोड़ा घूमने के लिए सुकून इतनी ज़्यादा गर्मी होने के बाद जब इवनिंग में ये टाइम आता ना तो बहुत अच्छा लगता है ठंडी ठंडी हल्की हल्की, हल्की हवा चल रही होती है तो काफ़ी अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पे वॉक करूँ और आप लोगों को भी सारा यहाँ का दिखाऊँ ये बहुत प्यारी कलोनी बनी हुई है और इस पर यहाँ पार्क भी बहुत खूबसूरत है काफ़ी लोग यहाँ पे वॉक करें जिस तरह से डिफरेंट यहाँ पर इस्लामाबाद में भी होता है ना सेक्टर्स में तो तरीके से वहाँ पे भी डिफरेंट कलोनी कलोनी के जो पार्क होते हैं सोसाइटी के तो काफ़ी नीट क्लीन होते हैं वहाँ के और ये काफ़ी अच्छा बना हुआ था और वैसे भी मैंने चले जाना था नेक्स्ट डे मैंने वापस टिकट करानी थी मुल्तान जाना था मुल्तान से मैंने वापस इस्लामाबाद आना था तो मैंने सोचा क्यों ना घूम फिर लिया जाए और अच्छे से अपना टाइम गुजार लें फैमिली के साथ काफ़ी दिनों से तो पहले ससुराल गई फिर ससुराल से वापस मुल्तान फिर मुल्तान से हर जगह घूमती फिरती रह गई हूँ तो सोचा क्यों ना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ और मेरे भाई भी साथ थे यहाँ पे हम लोग आए और काफ़ी अच्छा लग रहा था कभी कभी इस तरह की जगहों पे फैमिली के साथ आना ना बहुत अच्छा लगता है लेकिन बचपन में बहुत ज़्यादा जाया करते थे पार्क पर अभी वो वाला सीन नहीं अभी सिर्फ वॉक के लिए ही पार्क रह गए हैं और यह रात के टाइम यहाँ पे हम लोग कर रहे थे डिनर मज़ेदार यहाँ की फेमस फ़िश है वहाँ से हम लोगों ने फ़िश घर मंगवाई फिश खाना शाना खा के रेस्ट किया और ये मैंने टिकट्स करा ली थी सीधा मुल्तान पहुँचते ही टिकट्स कराएं इस्लामाबाद जाने की और डायरेक्ट मैं पहुँच गई इस्लामाबाद सुबह सुबह टिकट्स सुबह अर्ली टिकट्स थी और यहाँ मुझे पिक करने के लिए आ गए थे मैं शाम में पहुँची थी और शुक्र अल्लाह का रास्ते में मेरी तबीयत ख़राब नहीं हुई बिल्कुल मैं रिलैक्स होकर पहुंची हूं क्योंकि तो मुझे हौसला इस वजह से मिला रास्ते में मेरे साथ एक बुज़ुर्ग सी अम्मा ट्रैवल कर रही थी वो काफ़ी बीमार थी क्योंकि तो उसके बावजूद उन्होंने ट्रैवल किया तो मुझे हौसला आया कि मैं सेहतमंद होने के बावजूद भी इस तरीके से क्यों रिएक्ट कर रही हूँ तो खैर मुझे फिर सफ़र मेरा बहुत पुरसकून गुजरा लेकिन फैसल मूवर्स वाले बहुत गलत करते हैं आपकी सीट चेंज कर देते हैं और टाइम भी मुझे वहाँ डेढ़ घंटा इंतज़ार करना पड़ा तो इनकी ये बहुत ज़्यादा है और इनकी इनका बिहेवियर भी बहुत बुरा होता है हमेशा हमेशा ऐसा करते हैं बिजनेस क्लास में सफ़र करो फर्स्ट क्लास में सफर करो उसके बावजूद इन लोगों को किसी की परवाह नहीं होती और ये था जी शाम का टाइम यहाँ पर हम लोग कर रहे थे बस डिनर सो गाइज अहूफल आज का ब्लाग मेरा पसंद आया होगा मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग हैव नाइस डे टेक केयर बाय अल्लाह हाफिज़